अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सोहेल खान अहमद, USF PYSW का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आज का टॉपिक ये है कि जैसे ही हम सड़कों पे कराची की सड़कों का हालत तो ये हो रही है, ये जगह जगह रोड टूटे पड़े हैं और कुछ नाले बह रहे हैं। पता नहीं मेयर साहब कहाँ बिजी हैं, ऐसे बिजी हैं कि उन्हें शहर की हालत हजार नजर नहीं आती। शहर की कुछ सिचुएशन ऐसी गंदी हुई हुई है, जहाँ देखो कचरा पड़ा हुआ है, जहाँ देखो गंदगी फैल रही है, लेकिन इन्हें कोई एहसास नहीं है। इन दोनों सिर्फ वोट इकट्ठे करने थे और सिर्फ अपना नाम चमकाना था। इन्होंने तो कराची का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है और इस वक्त ये ऐसा गायब है जैसे गधे के सर से सींग। जिस शहर को हम रोशनियों का शहर कहते हैं, उसको देख के तरस आता है कि क्या नशर किया हुआ है, क्या क्या मदद की हुई है शहर को, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ट्रैफिक अपनी जगह साफ, जगह जगह रोड खुले पड़े हैं, कोई ऑल्टरनेट रूट नाम की चीज़ नहीं, इख्तियारात ही नहीं मिले। तो खास में ख़त्म होने का वक्त आ रहा है। मौसम जो है, मुस्तफ़ा कमाल से जो कि कराची के बहुत अच्छे मेयर रह चुके हैं, उनसे कम्पीट करने की कोशिश करते हैं और उन्होंने दावा किया था मुस्तफ़ा कमाल से अच्छा काम करेंगे। मतलब देख के रोना आता है यार। आप सर, वो शहर था जो कि एक ज़माने में कैपिटल रह चुका है पाकिस्तान का, और उसके बाद जो इसका हशर हुआ है वो अल्लाह ही जानता या यहाँ के रहने वाले जानते हैं। लेकिन जो साहिब इख्तदार लोग हैं, उनको कोई परवाह नहीं है कि क्या हालत चल रही है, क्या मुसीबत हुई है, क्या मसले हुए हैं। आपके पास दुकानें गिराने के इख्तियार भी आ गए, सब कुछ आ गए, लेकिन नहीं आए तो बेचारे आपको शहर डेवलप करने के इख्तियार भी आए। रोडों की बुरी हालत हुई हुई है, रोड बनती नहीं है, उस पर जंग्स का 10 बन जाते और एक के ऊपर एक बन जाते, और कभी कभी इतने ऊंचे ऊंचे बन जाते कि पहाड़ में और उसमें कोई फर्क ही पता नहीं चलता। मतलब अच्छा मजाक है यार, अच्छा मजाक कर रहे हो आप शहर के साथ। अगर आप चंद इलाके डेवलप कर लेते हैं या PSL में जो इनकाद हुआ था मैचेस का, तो उधर की जगहें साफ कर लेते हो या कुछ अच्छा वहाँ पर कर लेते हो, तो आप समझते हो पूरा शहर बना दिया आपने। आप ज़रा उधर से थोड़ा सा इधर आके तो देखो, सब्जी मंडी की साइड देखो, लालू खेत लियाकताबाद की साइड देखो, गुरु मंदिर की साइड देखो, डिफेंस की साइड भी सही नहीं बनेगी, लेकिन चूंकि डिफेंस है वो डिफेंस कहलाएगा। वो जैसा भी हो वो हमारे इलाके, वो दूसरे इलाकों से बेहतर होगा। कराची ने वो दौर भी देखा जब जो है क्रिकेट पूरी बंद, क्रिकेट तो खैर वो लाहौर की वजह से बंद नहीं थी, लेकिन दो साल पहले, तीन साल पहले जो हालात थे कि हर जगह जलाओ घेराव हो रहा है और टायर जलाए जा रहे हैं, मार पिटाई हो रही है, लोगों के घर में घुस के मारा जा रहा है और वो किए जा रहे हैं, लेकिन इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 6 मैचेस आई थिंक PSL के हुए और बड़ी कामयाबी से हुए और कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सका, क्योंकि रेंजर्स, फौज, ISI सब मौजूद थे और बहुत अच्छे इनकाद हुआ इंशाल्लाह, और आइंदा भी हुआ और दुश्मनों का मुंह काला होगा और होके रहेगा। लेकिन मेरा मसला ये है, टॉपिक मेरा जो है PSL पे नहीं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि PSL का इनकाद बहुत अच्छा हुआ और क्या होगा और बहुत अच्छा होगा। मगर मेरा टॉपिक ये है कि शहर के क्या हालात हैं आउटसाइड द स्टेडियम, क्या हालात के। ये तो आपने स्टेडियम के चारों तरफ सफाई करवा ली और अच्छा कर लिया, लेकिन अंदर का क्या हालत थे, क्या वो साफ हो गए? वो तो कभी साफ नहीं हुए, वो पता नहीं कब से साफ नहीं हुए और ना पता नहीं कब तक साफ नहीं होंगे। मुस्तफ़ा कमाल के दौर में चाइनीज कंपनी को ठेका दिया गया कि रिसाइकलिंग की मशीन आएंगी, लेकिन पता नहीं उसके बाद उनका टेन्योर ख़त्म हो गया, उसके बाद उनको उस चीज़ों को जंग लग गई और वो आज तक जो है काम ऐसे ही चला गया। सर्कुलर रेलवे हम सुनते बड़े हुए, लेकिन सर्कुलर रेलवे नहीं बन के थी, पता नहीं कब से बन गई थी, कब से बननी थी, कुछ भी नहीं हुआ। इसी तरह थरकोल प्रोजेक्ट का भी कुछ है सेम ही हालत है, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हो सका। सारी बातें पेपर्स में दब गई और कुछ भी नहीं हुआ, और इन जैसे लोगों ने सबसे ज़्यादा फायदा उठाया। चले हम नवाज शरीफ को बुरा कहते हैं कि उसने मुल्क लूटा और वो किया, वो बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसने लाहौर को और
और दूसरे जगहों को डेवलप किया है। ठीक है, तीन बार वजीर आजम भी रहा, वो ये बात भी मानने की है, लेकिन सिंध की तो हालत दिन ब दिन बर्बाद ही हुई है। आसिफ जरदारी के दौर में क्या हुआ सबको मालूम है। ठीक है, और क्या किस तरह के मामलात गुजर रहे थे, लोग पता नहीं कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई दुबई से आ रहा था, कोई जो है मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। थोड़ी बात अजीब सी लगती है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि शहर की डेवलपमेंट ना होना और जो इंडिया का हमें ब्लेम करना, इसमें कहीं ना कहीं गहरा लिंक है। क्योंकि वो लोग समझते हैं हम तो डेवलप्ड ही नहीं है, और यहाँ पर डेवलपमेंट की नहीं जाती क्योंकि डेवलपमेंट अपनी वजह से नहीं की जाती। और इंडिया में देख के ये कहता है कि आपके तो शहर डेवलप नहीं है, आपके यहाँ तो कचरा पड़ा रहता है, आपके यहाँ तो ये होता है, आपके यहाँ तो वो होता है, किसी वजह से कहता है। ये इसका गहरा लिंक है और इसको एक्सप्लोर करना चाहिए मेरे ख्याल से। ये मेरी अपनी सजेशन है, इसको ज़रूर कंसिडर किया जाए। और मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस मैटर को देखें, ये किस तरह, ये कब तक इस तरह की चीज़ें चलती रहेंगी। नया पाकिस्तान तो बन गया, और बात है मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, नया पाकिस्तान तो बन गया, लेकिन पता नहीं नए लोग कब आएंगे ये जो है, जो शहर को बेहतर अंदाज में बना सकें। अब मैं तो कहता हूँ आप इस जगह अगर शहर से वॉलंटियर कॉल कर लो ना, वो शहर को बेहतर साफ कर लेंगे, शहर को बेहतर साफ कर लेंगे, शहर में बेहतर प्लांटेशन कर देंगे। आप सिर्फ उनको रिसोर्स प्रोवाइड कर दो, वो हर काम इन मेयर भाई साहब से बहुत बेहतर कर लेंगे। ठीक है, प्लीज़ रिक्वेस्टिंग। समुंदर के पानी में गटर का पानी मिला रहा है, हम कुछ कर नहीं सकते। पता नहीं कितने लोग आते हैं गंदगी करके चले जाते हैं। चाइना पोर्ट खोला, लेकिन वहाँ पर सब लोगों ने पीके मार मार के उसको बंद करवा दिया। ये है हमारी सिटीज़ का हालत, सिटी के लोगों का हालत। सिटी का क्या कसूर है यार, बहुत हमारी हिस्टोरिकल हेरिटेज है, कल्चरल हेरिटेज है, लेकिन जिस तरह हम लोग अपने ही रिसोर्स को तबाह करते हैं ना, दुनिया का कोई मुल्क नहीं करता। सही बात बताऊँ तो एम्प्रेस मार्केट के इर्द गिर्द पहुँच जाओ आप, हिस्टोरिकल हेरिटेज है, लेकिन कुछ भी हमने क्या उसको प्रिजर्व किया है। हाँ ये है, पेंट वगैरह करा देते बस, और कुछ नहीं। कितनी बिल्डिंगें तबाह हो गई, आप यूरोप के मुल्कों में चले जाओ, आप देखो वहाँ की बिल्डिंगें आज भी ऐसी हैं, वो मेंटेन करके रखते हैं। यहाँ मसला ये है, हम गवर्नमेंट्स के अंदर गवर्नमेंट वाले जो होते हैं ज़्यादातर पैसे खाते, अपने खांचे निकालते। छोट यार, शहर का हवा ही बिगड़ा हुआ है, जहाँ देखो जो देखो जो मर्जी हो रहा है, बस देखो और आँखें बंद कर लो और सीधे निकल जाओ। मैं किसी को मेरा मकसद कभी भी किसी को हर्ट करना नहीं होता, मैं फैक्ट्स पर बात कर रहा हूँ। और अभी तो मैंने बारिशों में बात नहीं की, बारिशों में क्या हाल हुआ था, बहुत वीडियो लंबी रहेगी, इसलिए मैं ये बात आज के लिए जाने दे रहा हूँ, लेकिन मैं बात ज़रूर करूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग कम से कम इस पर 1000 लाइक ज़रूर दें, और सिर्फ इसलिए क्योंकि कराची का कराची की मोहब्बत में दें, मुझे मेरे लिए नहीं दें, कराची की मोहब्बत में दें, क्योंकि इस शहर से हमको मोहब्बत है, इस शहर में पले बढ़े हैं, इसी में दफन होना है। तो अगर कोई बात बुरी लगी तो मेरी तरफ से सॉरी, मैं माजरत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। और चैनल से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थैंक यू। और हाँ, जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करना, और प्लीज़ कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसा लगता है कि शहर में ये जो हालत ज़ार हुई हुई है, ये आपको कैसे महसूस होती है, और किस तरह हम इसको बेहतर कर सकते हैं। हम लोग इनक्रेज करेंगे कि ऐसी बात की जाए जो कि शहर की भलाई के लिए बेहतर हो, शहर की भलाई के लिए हो, ना कि शहर के जिससे फसाद भरपा हो।